अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चटोरों का अड्डा। आज बनाने जा रहे हैं नॉन स्टफ्ड आलू पराठा। जी हाँ, नॉन स्टफ्ड आलू पराठा। हम इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसे अपने आटे और मैदे के साथ ही गूंधेंगे। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने आधा कप मैदा और आधा कप आटा ले लिया है। ये मैं 10 पराठे का आटा गूंध रही हूँ और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। प्याज हमने 2 ली है मीडियम साइज की, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 4 to 6 ग्रीन चिलीज ली है, छोटी ग्रीन चिलीज थी इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। कोरिएंडर का पूरा बंच है, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और मिल्क मैंने हाफ कप लिया है, पर इतना लगेगा नहीं, बहुत कम ही लगेगा। जो बचेगा मैं आगे आपको दिखा दूंगी। 4 मीडियम साइज के आलू थे जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है, और इसमें भी मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। इसे हम आटे और मैदे के साथ मिला देंगे 1 by 1, आलू को, हरी धनिया, हरी मिर्चे और प्याज को। तो अगर आप अपना आलू का पराठा इसी वक्त तैयार करने जा रहे हैं तब तो आप डो अपना इसी वक्त बना लीजिए, बट अगर आप थोड़ी देर के बाद आलू का पराठा बनाएंगे तो मेक श्योर आप उसी वक्त आटा गूंदिए, क्योंकि फिर प्याज और नमक अगर अपना पानी छोड़ेगा तो डो बहुत ज्यादा रनी हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, तो मैं इसे अभी ढक के रख देती हूँ। तो अब मैं आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ, तो मैं अब इसी वक्त अपना डो तैयार करूंगी। तो पहले आप बिल्कुल भी दूध ऐड ना करिएगा, जितना हो सके डो तैयार करने की कोशिश करिएगा और 50% डो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अब इस टाइम पे हमें थोड़ा सा मिल्क चाहिए होगा डो को कम्प्लीटली तैयार करने के लिए। तो ये देखिए, पहले थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम इसमें। बहुत ही ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है। तो देखिए हमारा डो कितना अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, और ये अब तैयार हो चुका है डो हमारा। तो ये देखिए, मुझे मैक्सिमम 4 टेबलस्पून के करीब मुझे दूध लगा होगा, ये इतना दूध बच गया है। बस अब मैं आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। इसकी एक अच्छी बात ये रहती है कि इसकी स्टफिंग आपको हर तरफ ये देखिए दिखाई दे रही है, और हर बाइट में आपको स्टफिंग का टेस्ट मिलेगा। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इतना बड़ा मैंने आलू का पराठे का पेड़ा लिया है। अगर आप बहुत मोटे पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप इससे थोड़ा सा और मोटा पेड़ा ले सकते हैं। ये देखिए, आपको हर तरफ से स्टफिंग दिख रही है। तो मैं थोड़ा पतला बेलूंगी क्योंकि मुझे क्रिस्पी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने इतना पतला बेला है। तवा मेरा पहले से गर्म था और मैंने इस पे अपना पराठा डाल दिया है। जब नीचे से सिक जाएगा तो आप इसे पलट के सेक लीजिएगा। साइड्स पे अब हम इसमें घी लगा देंगे और घुमा घुमा के सेकेंगे, जिसमें हर तरफ से अच्छे से घी के साथ सिक जाए।
हमने इसे पलट दिया है, अब हम फिर से इसमें घी लगाएंगे। तो बस अब आपका आलू का पराठा तैयार हो चुका है, नॉन स्टफ्ड आलू पराठा तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे सर्व किया था लाल चटनी के साथ, जो कि मैंने सूखे मिर्च और लहसुन के साथ बनाई थी, और जीरे से वघार लगा दिया था, तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वहाँ पे एक छोटू सा बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँगी तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।